हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रहमान दिल्ली एफएचसी से आज फिर आपके सामने अपनी एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मिराज हेयर पैच को लेके फिर मैं पार्ट टू लेकर आया हूं, और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि हम जो हेयर पैच मिराज यूज करते हैं उसमें फ्रंट लेस का कैसा लुक आता है। तो मैं आज उस लुक के लिए आप सबके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली काफी ऐसी वीडियो है जो आप सब तक पहुंचेंगी तो आपको अच्छी एक नॉलेज मिलने वाली है। आप सबको अपने सर पे इसको यूज करके दिखाने वाला हूं, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि ये सच में ही एकदम रियल लगता है पैच लगाने के बाद में, मतलब कि फॉरेन कंट्री के अंदर काफी यूज हो रहे हैं ये पैच। तो आज हम देखते हैं कि मिराज जो हमें लेना है वो कैसा लगेगा हमारे सर पे लगने के बाद में। तो चलिए गाइस, मैंने जो अभी पैच लगा रखा है और मैं इसको आपके सामने हटाने वाला हूँ। ये मैंने आसानी से इसको हटा दिया और ये मिराज हेयर पैच है। मैं इसको अपने सर पे लगा के दिखाने वाला हूँ। ये इसके हमने सारी टेप हटा ली। ये आप देख सकते हैं हमने सारी टेप इसकी हटा चुके हैं और इसको अभी हम लगा के पूरी तरीके से आपको दिखाने वाले हैं। ये मिराज हेयर पैच मैंने लगा लिया है अपने सर पे और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है इसके सामने। ये काफ़ी हैवी है और ये काफ़ी लाइट है। सीरम और पानी दोनों लगा चुका हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हेयर पैच मिराज में क्या खासियत है। हमने सारे बाल नीचे करे और नीचे करने के बाद मैं भी उसको दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं इसके रूट्स, तो ये खासियत होती है मिराज हेयर पैच के अंदर। ये मिराज हेयर पैच है और जिसको मैं अभी आपको मैंने बीच में से स्कल्प इसका दिखा चुका हूँ और अभी आपको मैं फ्रंट भी दिखाने वाला हूँ मिराज हेयर पैच का। आपके सामने मैंने पूरा इसको ऊपर कर लिया और स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ऊपर करने के बाद। पैच के अंदर काफ़ी लाइट डेंसिटी है, इसके कारण हमने जब अपने बालों को ऊपर करा है, ऊपर करने के बाद काफ़ी नेचुरल लुक आ रहा है, आप सब देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो, मेरे समझाने में, मेरे बताने में कोई भी आपको परेशानी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं और हम मिलेंगे नए वीडियो में नए लुक के साथ। ओके, बाय बाय।